दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साले तू दोस्तों जोक सपाट करके हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं तो दोस्तों जो काउंटर पॉइंट है ना, वो काफी रिसर्च वगैरह करता रहता है, जो कि स्मार्टफोन के मार्केट वगैरह के बारे में सब दूर रिसर्च वगैरह करता रहता है कि आखिर क्या कुछ मार्केट का सिनेरियो चल रहा है स्मार्टफोन का, आखिर किसकी सेल ज्यादा हो रही है, किसकी सेल ज्यादा कम हो रही है, किसने मार्केट शेयर अभी तक ज्यादा घेर के रखा है, किसका कम हो गया, सब कुछ डिटेल की दोस्तों यहाँ पर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो इन्हीं की रिसर्च में एक और चीज सामने आई है, जो जापान की रिसर्च में इन्होंने ये पता कि जो स्मार्टफोन का मार्केट है ना, अभी हाल फिलहाल में जो कि 6% से भी ज्यादा यहाँ पर गिर चुका है, स्मार्टफोन का मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा गिरता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ सीन ऐसा चल रहा है स्मार्टफोन में, वही सब सेम स्पेसिफिकेशन वगैरह हमें देखने को मिलती नहीं रहेगी, यानी कि स्मार्टफोन आज के समय में एक तरीके से बोरिंग हो गया आप कह सकते हो। हाँ तो दोस्तों काउंटर पॉइंट के भी लेटेस्ट रिपोर्ट यह आई है सामने, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो स्मार्टफोन का जो मार्केट है ना, 50% जो स्मार्टफोन यूजर है ना, वो अपग्रेड करने वाले न्यू स्मार्टफोन पे, यानी कि जो अपकमिंग जो साल होने वाला है ना, वहाँ पर स्मार्टफोन की सेल वगैरह काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिलने वाली है, ऐसा इनकी रिपोर्ट में इन्होंने बताया है। और इन्होंने जो रिपोर्ट में बताया वो ये बताया कि जो 50% यूजर है ना, जो इंडियन स्मार्टफोन यूजर है, वो अपग्रेड करने वाले न्यू स्मार्टफोन पर, और ये जिनका जो मेन रीजन होने वाला है वो 5G होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 5G की सर्विस इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, तो जो मेन रीजन होने वाला स्मार्टफोन अपग्रेड का वो यहाँ पर जो है 5G होने वाला है, इनकी रिपोर्ट में इन्होंने यही बताया। और इनकी रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि कौन सी रेंज के स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 20 से 30 हज़ार के बीच का जो रेंज है ना, उस रेंज में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यहाँ पर हमें बिकते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अभी कितना सर्च होने वाला है तो हमें आने वाले टाइम में पता चल नहीं वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 से 30 हज़ार का रेंज काफी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हमें आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और अभी हाल फिलहाल में भी काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन हमें 20 से 30 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि आखिर कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड पर जो स्मार्टफोन यूजर है वो शिफ्ट होने वाले, एक चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो, जो चार्ट दिया गया है यहाँ पर, जो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर जो सैमसंग, शाओमी और रियलमी है, ये हाल फिलहाल में इन तीनों ने यहाँ पर मार्केट इंडिया का मार्केट घेर रखा है, जो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर शाओमी है वो यहाँ पर अभी तक इंडिया में टॉप पर ही चल रहा है, काफी ज्यादा इसने मार्केट शेयर यहाँ पर स्मार्टफोन का घेर के रखा हुआ है। और इनके मुताबिक अगर जो चार्ट में अगर आप राइट साइड में देखोगे ना, तो इन्होंने बताया कि किस स्मार्टफोन कंपनी पर आने वाले जो यूजर है वो शिफ्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया सैमसंग, एप्पल और यहाँ पर वन प्लस बताया गया। अभी इस बारे में बात करते हैं क्या यहाँ पर इसी स्मार्टफोन कंपनी पर जो यूजर है वो शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में तो यहाँ पर इंडिया में शाओमी का बोलबाला यहाँ पर पूरी तरीके से रहेगा, क्योंकि इनके स्मार्टफोन काफी ज्यादा इंडिया में पसंद किए जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर बिकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन में भी काफी ज्यादा बिकते हैं और ऑफलाइन में भी इन्होंने काफी अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफी अच्छे स्मार्टफोन इनके यहाँ पर बिकते हैं, और इंडिया में तो नंबर वन ब्रांड यहाँ पर शाओमी अभी हाल फिलहाल में है ही सही। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20 से 30 हज़ार की रेंज के स्मार्टफोन सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में बिकने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बताया इनकी रिपोर्ट के थ्रू। तो इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो कंपनी इन्होंने बताई कि इन ब्रांड्स के स्मार्टफोन यहाँ पर बिकने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले बताया है, जो कि यहाँ पर इन्होंने सैमसंग बताया, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर सैमसंग का जो बोलबाला है वो तो फ्लैगशिप में तो काफी अच्छा आएगा, लेकिन जो इनके बजट वाले फोन आते हैं ना, वहाँ पर ये प्रोसेसर वगैरह में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जिससे स्मार्टफोन इनके स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। अब जैसे कि इनकी जो ए सीरीज है वो काफी अच्छी पॉपुलर रहेगी, जो कि 20 से 30 हज़ार के बीच में आती थी एक टाइम था, लेकिन आज के टाइम पर वो 30 हज़ार से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि काफी बुरी बात हो जाती दोस्तों, क्योंकि 30 हज़ार के ऊपर वाला मार्केट इतना कुछ बड़ा मार्केट है नहीं, वो 30 हज़ार के नीचे काफी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इनकी स्मार्टफोन की प्राइस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिएगी। और साथ ही में अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल तो यहाँ पर सस्ते स्मार्टफोन तो देता नहीं, 30 हज़ार के नीचे तो एप्पल के ऐसा कुछ खास अच्छे प्रोडक्ट आते नहीं जो स्मार्टफोन के, तो मेरे ख्याल से एप्पल का बोलबाला यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडा पड़ने वाला है। अगर वन प्लस की बात करें तो वन प्लस का यहाँ पर जो अभी देखे तो वन प्लस के जो नोट सीरीज आती है यहाँ पर 30 हज़ार के नीचे यहाँ पर नोट सीरीज आती है, लेकिन वहाँ पर भी इतना कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर जो वन प्लस है वो कर नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा कोई स्मार्टफोन अगर निकाल दे, एक स्मार्टफोन जो कि काफी ज्यादा बेस्ट और किलर प्रोडक्ट हो, लेकिन वो यहाँ पर इन तीन कंपनी जो कि सैमसंग, शाओमी और रियलमी है, इनसे टक्कर मेरे ख्याल से शायद ना ले पाए, क्योंकि एक स्मार्टफोन से आप कितना ज्यादा ही मार्केट शेयर आप होल्ड कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से जो चार्ट इन्होंने बताया ना, ये काफी हद तक मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं इसे एग्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्ट में बताया यहाँ पर ये इनके जो प्राइसेस वगैरह है ना वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं, और 30 हज़ार के नीचे इतने अच्छे कुछ परफॉर्मेंस अगर अभी जो हाल फिलहाल जो पहले से यहाँ पर जो किंग बन के बैठे हुए उनको टक्कर देने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, कॉम्पिटिशन यहाँ पर काफी ज्यादा 30 हज़ार के नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अगर मेरे मुताबिक बात करें दोस्तों, 20 हज़ार के नीचे का जो मार्केट है ना वो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि 20 हज़ार से नीचे के जो स्मार्टफोन है वो सबसे ज्यादा बिके जाते हैं इंडिया में। तो मेरे ख्याल से 20 हज़ार के ऊपर जो 30 हज़ार के जो 20 से 30 हज़ार के बीच का जो रेंज होने वाला है, जहाँ पर इन्होंने क्लेम कराया कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकने वाले, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कुछ सच यहाँ पर होने नहीं वाला है, ये तो हमें आने वाले टाइम में पता चलने वाला है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट 20 हज़ार के नीचे वाला है, काफी बड़ा इंडिया का ये जो 20 हज़ार के नीचे वाला मार्केट यहाँ पर देखने को मिलता है। बस आज वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और हमारे चैनल को फटाफट 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे। तो मैं मिलता हूँ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।